अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा है और आज मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिन लोगों को सैडनेस फील होता है, डिप्रेशन में है बहुत सारा और जिनको काम में मन नहीं लगता है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने वर्क को कर सकते हो। स्पेशली गर्ल्स, जो वुमेन है, जो हाउसवाइफ है, वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक किताब लो, उस पर आपको नोट बनाना है कि आप रात से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर रात तक आपको क्या क्या करना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो स्टार्टिंग करते हैं हम सुबह के शुरू होने से पहले हम क्या करना है। हमें 4 बजे उठना है। आपके वहाँ पे जो भी टाइम है फजर का, वो अब उस टाइम पे आपको उठना है और एवरी डे आपको ये करना होगा। 21 डेज़ का मैं चैलेंज आपको देती हूँ। अगर आप 21 डेज़ में नहीं कर पाए तो आप लोग यहाँ पे मुझे आके कमेंट में बताना कि हमें अभी भी हार्ड लग रहा है। जब 21 दिन बाद आप आओगे मेरे चैनल पे तो आप लोग मुझे आके जल्दी बताओगे कि आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा। रात में आप लोगों को 10 बजे ही आप लोगों को सो जाना है, मोबाइल आप लोगों को बंद कर देना है। अगर 10 बजे नहीं हुआ तो रात के 11 बजे तक आपको सोना ही होगा। और फिर जब भी आप सुबह उठोगे फजर के टाइम पे तो 4 बजे उठो या फिर 5 बजे उठो, तब से लेके आपको नमाज़ पढ़नी है एंड उसके बाद 15 मिनट आपको जो भी आप कुरान पढ़ते हो वो पढ़ लो। उसके बाद आप तस्बीह करते हो वो कर लो, एक्सरसाइज करो आप। तो क्या क्या जो भी करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को नमाज स्किप नहीं करना है, क्योंकि नमाज जब आप पढ़ोगे ना आपको अंदर से फीलिंग होगा कि हम डिप्रेशन से बाहर जा रहे हैं। नमाज ऐसी चीज़ है, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इसमें डिप्रेशन की दवाई है। एंड आपको कुरान पढ़ना है, सिर्फ कुरान पढ़ना ही नहीं है, अगर आप लोग एटलीस्ट 5 लाइन आप लोगों को समझ के पढ़ना होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप लोग जो YouTube में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कुरान से रिलेटेड बोलते हैं और सूरे की मतलब तफसीर समझाते हैं। सो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी आप लोग वो ज़रूर सुने। आप लोगों को जो भी चैनल के नाम पता चलता है तो आप लोग उनके सुने, जो सही है वो। एटलीस्ट 5 लाइन आप लोग को डेली करना है। जो भी है योगा करना है आप लोगों को या फिर एक्सरसाइज 30 मिनट आप लोगों को करना होगा। एंड उसके बाद आपको जो भी नाश्ता करना है वो करो। आप जो भी लेते हो, टी कॉफ़ी जो भी चाहिए आप लोगों को वो आप लोग कर लो, क्योंकि ये सब जब आप करते हो तो आपका पूरा दिन किस तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और सबसे मेन है ये बात कि आप लोग बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली वीडियो मत देखो। जो भी आपका डेली का रूटीन है, काम है, घर के काम है, वो सब कर लो। हम हाउसवाइफ होते हैं, हमें खाना बनाना रहता है, बच्चों को संभालना रहता है, सो वो सब कर लेना है। और अच्छी एकदम जिससे आपका मन खुश हो वो चीज़, वो वीडियो देखो। जो बहुत ज़्यादा सैडनेस है वो सब मत देखो, और डिप्रेशन में क्या करें नहीं करें ये सब आप लोग ज़्यादा मत देखो, नहीं तो आप लोग को और भी लगेगा हम डिप्रेशन में हैं। और जो भी है आपका, उसके बाद खाना बनाने के बाद जो भी आपकी रूटीन है, आप नहा लेते हो, आपकी जो भी है आपको कर लेना है, आपको नहाना है, आपको फ्रेश होना है। और उसके बाद आपको फिर वही 1 बज गया, आपको नमाज़ के लिए बैठना है, कुरान भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़ना है। और आपने जो सुबह 5 आयात को समझकर पढ़े हो उसका आप लोग अच्छी तरीके से डीपली समझो, क्योंकि ये ऐसी एक किताब है जिसमें हमें कोई शक नहीं करना है। आप अपने क्वेश्चन के जो भी जवाब है वो इस पर मत ढूंढो, आप लोग इसको पढ़ो और ये आपको क्या बता रहा है वो आप सुनो। आपके क्वेश्चन के जवाब आपको आज नहीं तो कल ऐसा आपको मिल ही जाएंगे। आप लोग इसको जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें आप, मतलब यहाँ से उठा लिए वहाँ से उठा लिए, ऐसा नहीं, आप लोग को शुरू से लेके पढ़ना है। तो जो भी हाउस वाइफ है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम कैसे पढ़ें। मोबाइल्स में भी ऐसे ऐप्स है जिसमें आप लोग कुरान याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और फजर के टाइम, नमाज के टाइम सब ऐसा सेटिंग किया हुआ है, तो आप लोग वो भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही इजी होता है। उसके बाद जो भी है आपको नमाज़ पढ़ लो आप,
और दुआ, बहुत ज़्यादा दुआ करो, क्योंकि कोई भी दुआ आपकी रद्द नहीं होगी। यहाँ अगर नहीं मिला तो अल्लाह बेशक आपको ऊपर जाके ज़रूर आप लोगों को वो उसका जो भी है वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। फिर आपका जो भी है लंच वगैरह कर लो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लंच से पहले नमाज़ पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों को सुकून मिलेगा। उसके अभी आपको सोना है, थोड़ा सा नैप लेना है, आधे घंटे के लिए लो, ये एक घंटे के लिए लो, क्योंकि आप सुबह के 4 बजे 5 बजे उठे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा सोना ज़रूरी है। उसके बाद आपको बाहर जाना है, आपके कुछ अगर फ्रेंड्स है जो इस्लाम के लिए बोलते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है वही चीज़ करो, और थोड़े से ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आपको सुकून मिले, जैसे आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आप इस जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पे बस आप सैडनेस वाली चीज़ें देखो, ऐसा नहीं। आपको फ्रेश फील करने के लिए या आप सी साइड में जा सकते हो, या फिर किसी गार्डन में, पार्क में जा सकते हो। और अगर आप लोगों को पूरा अपने मन से अगर आप लोग ये चीज़ करोगे ना तो आप लोग 21 दिन में फ़र्क ज़रूर देखोगे। आपको डेली करना है ये चीज़, डेली सुबह एकदम जल्दी उठना है। जल्दी इसलिए उठना है क्योंकि जो भी लोग सुबह उठते हैं उनको फ़ायदा नज़र ज़रूर आता है। हम सुबह उठ के देखते नहीं कि सूरज कैसे उठ रहा है या फिर सूरज कैसे डूब रहा है, हम इसे चीज़ देखते ही नहीं है। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि दुनिया में चल क्या रहा है? जब आप खुद देखोगे ना कि दुनिया में क्या चल रहा है, फिर आपकी डिप्रेशन खुद ब खुद दूर हो जाएगी, आपको और भी अच्छा लगने लगेगा। जो भी आप काम करोगे आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको जो भी पसंद है आप वो चीज़ करो, पर बुराई जो चीज़ है उस चीज़ को आपको छोड़ना होगा, जो सब चीज़ हैबिट उसको ख़त्म करना होगा। और अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप लोग मार्केट जाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। आज मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि मैं अच्छी तरीके से नहीं बना पाई, लेकिन कोशिश होगी, अच्छी तरीके से एडिट नहीं कर पाई, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को और भी एक्सप्लेन करके समझाऊँ। पर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ हमें इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूँगी और भी ऐसे वीडियोस बनाने की जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद अपने आप को कैसे चेंज की हूँ, मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए हैं वो मैं बताऊँगी। होपफुल कि आप लोगों को अच्छा लगा।